होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा चुनाव की मतगणना के 12 बजे तक आए परिणाम के अनुसार भाजपा के रावदेव प्रताप सिंह ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और वो कांग्रेसी उम्मीदवार दीवान शैलेंद्र सिंह से लगभग 2,15,628 मतों से आगे चल रहे हैं। 12 बजे तक भाजपा उम्मीदवार रावदेव प्रताप सिंह को 3,46,504 मत, वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार दीवान शैलेंद्र सिंह को 1,30,876 मत प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, यहां भाजपा के रावदेव प्रताप सिंह और कांग्रेस के दीवान शैलेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। दीवान शैलेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री चंद्रभान सिंह के पुत्र हैं और कांग्रेस ने उन्हें भाजपा प्रत्याशी रावदेव प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने का फैसला भी किया था, जिसके बाद कई कांग्रेसी नाराज भी देखे गए और अब इतनी बढ़त के बाद अब ये माना जाने लगा है कि भाजपा प्रत्याशी रावदेव प्रताप सिंह को हराना आसान नहीं होगा। अब तक हुए मतदान के आंकड़े बताते हैं कि कभी भी किसी दल को यहाँ मतदान घटने बढ़ने का फायदा नहीं मिला है। यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा चौंकाया है। एक बार 14% से अधिक मतदान हुआ तो कांग्रेस को ये सीट गंवानी पड़ी, लेकिन 4% कम होने के बाद वह वापस लौट आई थी। इसके बाद मतदान प्रतिशत घटते बढ़ते रहने के बाद भी 6 बार लगातार भाजपा जीतती रही। वर्ष 1952 से अब तक इस सीट पर 8 बार कांग्रेस और 7 बार भाजपा का कब्जा रहा। इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने का 4 बार भाजपा व 3 बार कांग्रेस को लाभ मिला। वर्ष 2009 के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने का लाभ कांग्रेस को मिला था और भाजपा को सीट गंवानी पड़ी थी। कांग्रेसी उम्मीदवार रावदेव प्रताप सिंह 19,245 मतों से चुनाव जीत चुके थे। इस बार 73.74% मतदान हुआ है, जो कि 2014 के मुकाबले 7.94% अधिक है। ऐसे में ये बढ़ोतरी किसके खाते में आएगी, इसे लेकर कयास का दौर गुरुवार देर रात तक भी जारी रहेगा।